हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास सिक्स की इंग्लिश की बुक से द स्टोरी ऑफ हेनरी जेकल। तो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। आई डॉक्टर हेनरी जेकल वॉज बॉर्न इन द ईयर 1830। मैं डॉक्टर हेनरी जेकल, मेरा जन्म हुआ था 1830 में। माई फैमिली वॉज रिच, मेरा परिवार जो था वो अमीर था। आई स्टडीड टू बी अ डॉक्टर, हमने पढ़ाई की थी डॉक्टरी की। I liked the hard work other people soon had a good opinion of me. मुझे हार्ड वर्क करना बहुत पसंद था। आई लाइक द हार्ड वर्क, ठीक है। अदर पीपल सून, और बहुत ही जल्दी जो दूसरे लोग थे, हैड अ गुड ओपिनियन ऑफ मी, मतलब मेरे बारे में लोग अच्छा ही सोचते थे बेसिकली। एंड आई लाइक दैट टू, मुझे बात पसंद भी थी। आई सीम्ड टू हैव अ गुड फ्यूचर, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा फ्यूचर जो है वो अच्छा है। इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरे सामने जो मेरा भविष्य है वो आगे बहुत अच्छा है। एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट एंड गुड, सब कुछ बहुत अच्छा सा दिख रहा था। माय वर्स्ट प्रॉब्लम वॉज माय लव ऑफ फन, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। आई एंजॉयड द वाइल्ड नाइट लाइफ टू मच, मुझे जंगली रात में समय बिताना बहुत पसंद है। एक तरीके से रात को कुछ भी अजीब गरीब करना, कुछ भी हरकतें करना, लाइक लोगों को कई बार रात को घूमने निकल जाना बहुत पसंद होता है, कुछ भी इस तरह का काम मुझे बहुत पसंद था। मैनी पीपल हैव फाउंड, लोगों ने बहुत ज़्यादा पाया दैट अ लव ऑफ फन हेल्प्स देम टू इन्जॉय लाइफ, कि अगर किसी को मौज मस्ती करना पसंद है तो उन्हें अपनी ज़िंदगी जीना जो है वो ज़्यादा बढ़िया होता होगा, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी, तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। आई वॉन्टेड टू सीम सीरियस, मैं चाहता था कि मैं सीरियस दिखूँ, एंड दिस डिड नॉट हेल्प, और क्योंकि मेरी मौज मस्ती की आदत थी तो ये चीज़ मुझे हेल्प नहीं कर रही थी कि मैं सीरियस दिख पाऊँ। सो आई वॉज केयरफुल टू हाइड दिस साइड ऑफ माई लाइफ, तो ये मौज मस्ती वाली साइड को ना मैं बहुत छिपा के रखना चाहता था, सबके सामने नहीं लाना चाहता था। इन दिस वे, इस तरीके से माई लाइफ बिकेम अ लाई, मेरी ज़िंदगी एक झूठ बन के रह गई। इवन बिफोर आई फिनिश्ड माई स्टडीज, मेरी पढ़ाई खत्म करने से पहले ही आई ऑलरेडी हैड अ डबल लाइफ, मेरी डबल लाइफ शुरू हो चुकी थी। माई एक्शंस वर नॉट सीरियस, मेरे एक्शंस बिल्कुल सीरियस नहीं थे, बट आई डिड नॉट वॉन्ट, लेकिन मैं नहीं चाहता था दैम टू बी द पार्ट ऑफ माई वर्किंग लाइफ, की वो मेरे जिंदगी के वर्किंग लाइफ के पार्ट बने। द ईयर पास्ट, साल बीतते गए, एंड आई ग्रो ओल्डर, और मैं बूढ़ा होता गया, एंड मोर सेंसिबल हो गया, बट बड़ा हो गया, ओल्डर हो गया, बड़ा, बूढ़ा भी नहीं कह सकते, बट इट वॉज टू लेट टू चेंज माई डबल लाइफ, लेकिन अब जो था, हाँ बूढ़ा ही है यहाँ पर, यह बूढ़े होते चले गए, पर इट वॉज टू लेट टू चेंज माई डबल लाइफ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी अपनी डबल लाइफ को चेंज करने के लिए। एंड देन थ्रू माई साइंटिफिक स्टडीज़, क्योंकि मैंने साइंटिफिक पढ़ाई करी है, आई लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा। आई लर्न दैट मैन हैज़ टू साइड, मैंने सीखा कि एक इंसान के दो साइड होते हैं बेसिकली, अ गुड साइड, एक अच्छी साइड होती है, एंड एन ईविल साइड, और एक बुरी साइड होती है। आई न्यू, मैं जानता था दैट इट वॉज ट्रू ऑफ मी, और मेरी ज़िंदगी का सच भी यही था कि मैं अच्छा भी हूँ और बुरा भी हूँ। आई वॉज ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं इस बारे में ऑनेस्ट था। एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह आई ट्राइड टू लर्न मोर, मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, एंड टू कीप एंड टू हेल्प सिक एंड सफरिंग पीपल, और मैंने बहुत कोशिश करी है ना बीमार लोगों की, परेशान लोगों की मदद करने की भी। द अदर पार्ट ऑफ मी, एक दूसरा पार्ट क्या था, वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट, वो भी बहुत ऑनेस्ट था अबाउट इट, सर्च के बारे में। स्लोली इट बिकेम क्लियर टू मी, और धीरे धीरे मुझे क्लियर हो गया दैट मैन इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन, कोई भी इंसान एक पर्सन नहीं होता है, ही इज़ टू पीपल, एक इंसान के अंदर दो लोग होते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। कैन आई सेपरेट द टू साइड्स, क्या मैं इन दो साइड्स को सेपरेट कर सकता हूँ। आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अपने अंदर से अच्छा आदमी और बुरा आदमी अलग अलग कर सकता हूँ। कैन आई मेक टू पीपल, वन गुड एंड वन बैड, फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, इफ़ आई कैन, अगर मैं कर सकता हूँ तो लाइफ भी मच ईजियर, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। द बैड पर्सन कैन लिव इन हज ओन बैड वे, जो खराब आदमी है वो अपने तरीके से रह सकता है विदाउट हर्टिंग द गुड पर्सन, और जो मेरे अंदर अच्छाई है, अच्छा पर्सन है, उसको बिना हर्ट किए, ठीक है, इससे क्या होगा, विदाउट हर्टिंग द गुड पर्सन एंड पीपल्स ओपिनियन ऑफ हिम, और उसके बारे में लोगों की ओपिनियन भी नहीं खराब होगी, जब गुड पीपल के बारे में गुड ही रहेगी, एंड द गुड पर्सन गुड्स नेम विल बी इन नो डेंजर, और अच्छे व्यक्ति का जो नाम है वो भी खराब नहीं होगा, उसको भी खतरा नहीं होगा बिकॉज ऑफ द अदर पर्सन बैड एक्शंस, क्योंकि जो मेरे अंदर खराब आदमी है वो गलत काम करता है तो अच्छे वाले का भी नाम खराब हो जाता है। इट सीम्स रॉन्ग, ये कुछ गलत लग रहा था दैट वी हैव टू लिव विद बोथ पर्सन, एक ना एक इंसान में अच्छा और बुरा दोनों होना है, मुझे कुछ गलत लग रहा है इन द सेम बॉडी, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे को अलग कर दूँ बुरे को अलग कर दूँ। एट दैट टाइम, उस समय क्या होता है, आई वॉज डूइंग सम साइंटिफिक वर्क, मैं कुछ साइंटिफिक काम कर रहा था। आई फाउंड, मैंने पाया दैट सम केमिकल्स हैव अ ग्रेट पावर, कुछ केमिकल्स में बहुत पावर होती है, दे कैन चेंज अ पर्सन्स बॉडी, वो पर्सन की बॉडी को चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज इट्स शेप,
वो उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, मेक इट बिगर और स्मॉलर, इंसान को बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी टू क्लियर, मैं नहीं चाहता था बहुत ज़्यादा क्लियर होना है अबाउट द साइंटिफिक पार्ट ऑफ दिस स्टोरी कि भाई ये क्या स्टोरी है इसके बारे में। माई रीज़न, मेरा रीज़न था बिकॉज एज माई स्टोरी विल शो, जैसा मेरा स्टोरी शो करेगा, माई एक्सपेरिमेंट्स वर नॉट कम्प्लीटेड, मेरे एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट नहीं होते थे, कुछ इनके एक्सपेरिमेंट गड़बड़ भी होते होंगे। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत पुरानी बात है, बिफोर आई डिसाइडेड टू ट्राई द केमिकल, मतलब बहुत पहले की बात है, जब ये बूढ़े हो चुके हैं उन्होंने बताया कि एक टाइम मैंने ऐसा किया था, मैंने ट्राई किए थे केमिकल्स, देयर वर टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें थी दैट आई कुड गो रॉन्ग, कि भाई मैं गलत भी हो सकता था उन केमिकल्स को यूज़ करने में। आई वॉज अफ्रेड ऑफ टाइम, मुझे डर था कि मैं मर जाऊँगा, बट फाइनली आई हैड टू नो, मुझे जानना था इन केमिकल का रिजल्ट, आई हैड टू हैव द आंसर, मुझे आंसर जानना था ना। माई एक्सपेरिमेंट शोड मी द लिक्विड, मेरे एक्सपेरिमेंट ने शो किया मुझे वो लिक्विड दैट वॉज नेसेसरी, मतलब मुझे मिल गया एक्सपेरिमेंट से वो लिक्विड जो मुझे चाहिए था। देन आई बॉट फ्रॉम माओ, मैंने उसको खरीद लिया माओ से, जगह है एंड कंपनी से, वहाँ की द केमिस्ट से खरीदा था मैंने। अ लॉट ऑफ द स्पेशल सॉल्ट केमिकल, सॉल्ट बेसिकली केमिकल का सब्सटेंस है, वो उसमें था दैट आई नीडेड टू पुट इनटू इट, जो मुझे उसमें डालना था। लेट वन नाइट, क्या होता है, एक दिन रात को आई केयरफुली पुट द सॉल्ट केमिकल एंड लिक्विड में मिला देता हूँ ग्लास के अंदर एंड मिक्स देम टुगेदर, दोनों को मिलाता हूँ। आई वॉश्ड, मैंने देखा दैट द लिक्विड चेंज कलर, लिक्विड ने अपना चेंज कलर कर दिया जब मैंने केमिकल मिला दिया। देन नर्वसली आई ड्रैंक वॉट वॉज इन द ग्लास, बहुत नर्वस होकर मैंने वो ग्लास में जो था वो पी लिया। आई फेल्ट टेरिबल पेन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ एंड ग्रेट सिकनेस, बहुत ज़्यादा सिकनेस फील हुई, बट देन क्वाइट क्विकली तुरंत ही क्या हुआ, द पेन वेंट अवे, पेन चला गया एंड आई बिगिन टू फील बेटर, और मैंने बेहतर फील करना शुरू किया। आई फेल्ट यंगर, मैंने अपने आप को बिल्कुल यंग महसूस किया, लाइटर हल्का महसूस किया एंड हैप्पियर, कि मैं बहुत खुश हूँ ऐसा महसूस किया एंड फ्री इन माई बॉडी, और मैंने महसूस किया कि अब मेरी बॉडी काफ़ी फ्री है, माई माइंड फेल्ट फ्री, मेरा माइंड भी काफ़ी फ्री था। बट आई न्यू इमिजिएटली, मुझे पता था दैट आई वॉज मोर इविल, अब मैं बहुत ज़्यादा दुष्ट हो गया हूँ, एंड देन एवरी वन अदर मैन इन द अर्थ, मतलब मैं दुनिया का सबसे दुष्ट आदमी बन चुका हूँ, अभी बहुत खराब आदमी बन चुका हूँ। हाउ डिड आई नो दिस, मैं कैसे जानता था, आई डो नॉट नो, मुझे नहीं पता कि उस वक्त मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं दुनिया का सबसे खराब आदमी बन गया हूँ, बट मुझे पता था, बट इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग, फीलिंग बहुत अच्छी थी। आई लुक्ड डाउन एट माई बॉडी, मैंने अपने शरीर को देखा, आई सॉ इमीडिएटली, मैंने तुरंत देखा, आई वॉज अ स्मॉलर देन बिफोर, मेरी मैं स्मॉलर हो चुका था पहले से, मतलब मैं यंग हो चुका था, स्मॉल हो चुका था। देर वॉज नो मिरर इन द वर्क रूम देन, उस वक्त वर्क रूम में जहाँ मैं काम कर रहा था कोई शीशा था नहीं। आई ब्रॉट इट इट लेटर, मैं बाद में शीशा भी लेकर आया, सो दैट नाइट, उस वक्त उस रात को आई वेंट क्विकली अक्रॉस द डार्क कोर्टयार्ड, मैं वहाँ से बिल्कुल अंधेरे में कोर्टयार्ड से निकला एंड टू द हाउस, और घर में चला गया। इट वॉज आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट की बात है, ऑल माई सर्वेंट्स वर एस्लीप, क्योंकि उस समय जहाँ मैं काम करता था वहाँ से मैं घर पहुँचा तो क्योंकि घर पे सारे सर्वेंट्स तो सो चुके थे, बहुत रात की बात है, सो दे डिड नॉट सी, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। आई वेंट क्वाइटली अप, मैं चुपचाप ऊपर चला गया टू माई बेडरूम एंड स्ट्रीट टू माई मिरर, और मैं सीधा अपने शीशे के सामने खड़ा हुआ। इन इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द मैन दैट आई डिसाइडेड टू कॉल एडवर्ड हाइड, मैंने अपना नाम क्या रखा, एडवर्ड हाइड, पहली बार मैं अपने आप को एडवर्ड हाइड के रूप में देख रहा था। ही वॉज मच स्मॉलर एंड यंगर, वो छोटा भी था जवान भी था, किसके मुकाबले, हेनरी जेकल, जो ये ओरिजिनली थे। आई कैन ओनली बिलीव दैट द ईविल साइड ऑफ मी वॉज ओनली फुली ग्रोन, मैंने देखा कि मेरी जो ईविल साइड है ना वो अभी फुली ग्रोन हुई नहीं है, अभी तो वो बहुत छोटी है, यंग है। इट वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माई गुड साइड, मेरी गुड साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी बूढ़ी भी हो गई है, बड़ी भी हो गई है। द वर्स्ट पार्ट ऑफ मी वॉज नॉट एज ओल्ड एंड टायर्ड एज द गुड एंड द ऑनेस्ट पार्ट, द वर्स्ट पार्ट क्या था, वर्स्ट पार्ट मेरा ये था कि वो इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी, इतनी थकी हुई नहीं थी जितना कि गुड और ऑनेस्ट पार्ट में मैं थक चुका था। मतलब ओरिजिनली तो अभी मैं बूढ़ा हूँ, गुड हूँ, अच्छा हूँ, लेकिन अभी मैं थक चुका हूँ बिल्कुल लाइफ में। द ड्रीटफुल भयानक फेस इन द मिरर वॉज एन ईविल फेस, लेकिन बड़ा मेरा भयानक चेहरा हो चुका था, आई न्यू, मैं जानता था, बट आई फेल्ट नो फियर, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। आई वेलकम्ड इट, मैंने उस नए चेहरे का वेलकम किया बिकॉज इट सीम्ड वेरी नेचुरल, और ये बहुत नेचुरल दिख रहा था, मैं तो चाहता ही था अपने अंदर से बुराई को अलग करना। द फेस आई लुक्ड मोर अलाइव, चेहरा बहुत अलाइव लग रहा था, जीवांत लग रहा था देन माई यूजुअल फेस, जैसा मेरा अभी तो बूढ़ा लगता है। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट पीपल कुड नॉट कम नियर मी, लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं विदाउट अ फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, मतलब मुझे बहुत घृणा से देखेंगे अब लोग, दे डिटेस्टेड मी, वो मुझे नापसंद करेंगे बिफोर आई इवन स्पोक, मतलब मेरे बोलने से पहले ही लोग मुझे नापसंद कर देंगे बिल्कुल।
दिस इज प्रोबेबली बिकॉज ऐसा इसलिए होगा बिकॉज दे हैव नेवर मेट अ मैन लाइक एडवर्ड हाइट. उन्होंने एडवर्ड हाइट जैसा इंसान कभी देखा ही नहीं होगा. ही इज़ अ मैन हु इज़ ऑल बैड. एक ऐसा आदमी है जो पूरी तरह से बहुत बुरा है, ऑल इविल है. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, मोस्ट पीपल आर गुड एंड बैड. ज़्यादातर लोग ये तो अच्छे होते हैं या तो बुरे होते हैं. नाउ कम द नेक्स्ट पार्ट. चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ऑफ माई एक्सपेरिमेंट. आई रिटर्न टू माई वर्क रूम. मैं अपने वर्क रूम में वापस आने प्रिपेयर द केमिकल्स अगेन. मैंने दोबारा से केमिकल्स को प्रिपेयर किया एंड ड्रिंक इट और उन्हें पी लिया वंस अगेन दोबारा से. आई suffered a terrible pain. मैंने बहुत पेन महसूस किया. बट आई सून हैड द फेस एंड द बॉडी ऑफ हेनरी जेकिल. लेकिन मैंने दोबारा केमिकल पिया तो मैं वापस से हेनरी जेकिल बन गया. दैट नाइट माई लाइफ चेंज फॉर एवर. उस रात मेरी जिंदगी जो है पूरी बदल गई. देख रहे हो दोनों, एक बूढ़ा एक जवान. ठीक है, द एक्सपेरिमेंट वॉज अ सक्सेस. मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था ना. एंड फ्रॉम दैट टाइम आई वॉज टू पीपल. उस दिन के बाद मैं दो लोग था, एक खराब एक अच्छा. वन वॉज एडवर्ड हाइट जो कि खराब वाला था, अ मैन कम्प्लीटली एवल, राइट, एक आदमी जो पूरा दुष्ट था. द अदर मैन वॉज डियर ओल्ड हेनरी जेकिल जो कि अब काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसने अपने अंदर से बुराई को निकाल के अलग कर दिया. एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीता, आई फेल्ट अ ग्रेटर एंड अ ग्रेटर नीड टू एस्केप इन टू अ यंगर मोर एक्साइटिंग बॉडी ऑफ एडवर्ड हाइट. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे यंग बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा. मुझे एक्साइटिंग बॉडी चाहिए थी. एडवर्ड हाइट की बॉडी बहुत एक्साइटिंग थी. मेरी तो क्या थी, अभी बूढ़ा ही हूँ मैं. एंड इट वॉज सो ईजी, मेरे लिए बड़ा आसान था. आई ओनली हैड टू ड्रिंक द लिक्विड एंड देयर आई वॉज इन माई लाइफ, न्यू लाइफ. और मुझे बस एकदम क्या करना था, एक लिक्विड पीना था और अपनी नई लाइफ में जाना था. आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग केयरफुली. मैंने बहुत ध्यान से सब कुछ प्रिपेयर किया. एज हाइड हाइड की तरह आई टुक द हाउस इन सोहा. मैंने एज हाइड मतलब हाइड बन के मैंने एक घर जो है वो लिया सोहा जगह में. एंड एम्प्लॉयड अ वुमेन, वहाँ पे मैंने एक औरत रख दी. शी लुक्ड आफ्टर इट, वो उस घर की देखभाल करती थी एंड आस्क्ड नो क्वेश्चन, और सवाल भी नहीं पूछती थी हाइड से कुछ भी. एज जेकल आई डिस्क्राइब, जेकल बन के मैंने डिस्क्राइब किया कि मिस्टर हाइड को एंड टोल्ड माई सर्वेंट्स. मैंने अपने सर्वेंट से कहा कि मिस्टर हाइड कैन यूज़ माई हाउस इन द स्क्वायर वेन ही वॉन्ट्स टू यूज़ इट, जब चाहे वो यूज़ कर सकते हैं मेरे घर को. आई विजिटेड द हाउस टू और थ्री टाइम्स. मैं दो तीन बार घर का हाउस में जाके विजिट कर लेता था एज मिस्टर हाइड, सो देर वॉज नो मिस्टेक, कि कोई मिस्टेक ही ना हो कि मिस्टर हाइड अलग आ रहे हैं, जेकल अलग आ रहे हैं. जेकल ने जाके कहा हाइड आके रहेगा, तो हाइड आ रहे थे. एज अ हाइड वो आ जाते थे. हिज विजिट बिकेम क्वाइट अ यूजुअल, उनका विजिट जो है बार बार होता था, बहुत यूजुअल हो गया था. टाइम्स कभी कभी क्या होता था, हेनरी जेकल वॉज शॉक्ड. हेनरी जेकल ही शॉक हो जाते थे, डर जाते थे बाय द थिंग्स दैट एडवर्ड हाइड डिड. जब वो एडवर्ड हाइड बन के जो काम करते थे ना, तो जब अपने ओरिजिनली रूप में आते थे तो उनको बड़ा एकदम शौक लगता था कि अरे बाप रे इसने क्या कर दिया है, मतलब इसने क्या, मैंने ही क्या कर दिया एक तरीके से. तो क्या करते थे, जेकल ऑफन राइट टू करेक्ट द रॉन्ग थिंग्स, क्योंकि जेकल तो बहुत अच्छे हैं, वो तो राइट पार्ट है, गुड पार्ट है, तो वो उसको ठीक किया करते थे उसकी चीज़ों को. दैट वर डन बाय हाइड. देन आई मेड द विल, फिर मैंने एक इच्छा जाहिर की दैट यू डिड नॉट लाइक, जो तुम्हें नहीं पसंद है. व्हाई डिड आई मेक इट, अच्छा मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि मैंने ऐसी विल रखी क्यों जो मुझे ही नहीं पसंद है. ठीक है, व्हाई डिड आई मेक इट, मैंने ऐसी इच्छा रखी क्यों. बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी एबल टू चेंज फ्रॉम डॉक्टर जेकल टू एडवर्ड हाइड विदाउट लूजिंग ऑल माई मनी. मैं अपना पैसा खोए बिना ही अपने आप को डॉक्टर जेकल से एडवर्ड हाइट में बदलना चाहता था. आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्राइब एवरीथिंग, मैं सब कुछ तो डिस्क्राइब आप लोगों के सामने नहीं करना चाहता हूँ. आप लोगों को कह रहे हैं ये आई डिड एज एडवर्ड हाइट, जो कि मैंने एडवर्ड हाइट बन के किया. बट आई विल टेल यू अबाउट वन एक्सीडेंट, मैं एक एक्सीडेंट के बारे में आपको जरूर बताऊंगा. इट हैपन्ड वन नाइट, एक दिन रात को, पता है क्या होता है, आई नॉक्ड डाउन अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चे को गिरा दिया. दिस मेड अनदर मैन वेरी एंग्री, दूसरा आदमी जो सामने वाला था तो बहुत गुस्सा हुआ. आई सॉ द मैन द अदर डे, मैंने वो आदमी को दूसरे दिन देखा. ही इज़ योर फ्रेंड, वो तुम्हारा मित्र था. द चाइल्ड्स फैमिली वर वेरी एंग्री, टू एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई फॉर अ टाइम, कुछ टाइम के लिए. एंड आई वॉज अफ्रेड, और मैं बिल्कुल डर गया. दैट दे वॉन्टेड टू किल मी, वो तो मुझे मार डालना चाहते थे. बट एडवर्ड हाइड काम दैम, लेकिन एडवर्ड हाइड ने क्या किया, उनको शांत किया. एडवर्ड हाइड ने शांत किया, ध्यान रखना बुरे वाले ने. ही ब्रॉट दैम टू द वर्क रूम, उनको वर्क रूम में लेकर आए डोर में एंड गेव दैम अ चेक. उनको चेक दिया फ्रॉम हेनरी जेकल के नाम के, कि चेको हेनरी जेकल ने तुम्हारे बच्चे को प्रॉब्लम किया में डाला है या कुछ भी किया है, तो ये लो. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट. सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता था सब कुछ तो परफेक्ट चल ही रहा है. इफ़ आई वॉज इन ट्रबल एज अ हाइड, मुझे हाइड के रूप में कोई प्रॉब्लम होती थी तो आई ओनली हैड टू एस्केप, मुझे बस भागना होता था इनटू माय वर्क रूम, अपने वर्क रूम में थ्रू द डोर इन द नैरो स्ट्रीट जो कि एक पतली सी गली में था. बस मैं घुस जाता था अपने वर्क रूम में. आई ओनली नीडेड अ मिनट, मुझे एक मिनट लगता था टू मेक द ड्रिंक, ड्रिंक बनाने में लिक्विड, द लिक्विड जो भी मैं पीता था वो. द एडवर्ड हाइड डिसअपीयर, एडवर्ड हाइड डिसअपीयर हो जाते थे और उनकी जगह पर क्या बैठ जाता था, जाके एक गुड ऑनेस्ट हेनरी जेकल बैठ जाते थे बेसिकली. एडवर्ड हाइड वॉज एन ईविल मैन, एडवर्ड हाइड एक ईविल मैन थे. स्लोली हिज एक्शन गॉट वर्स एंड वर्स, और उनके जो एक्शंस थे वो बहुत खराब होते चले गए.
देन टू मंथ्स बिफोर, दो महीने पहले द मर्डर ऑफ सर डैनवर्स कैरब का मर्डर हो जाता है. हेनरी जेकल वेंट आउट वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है, हेनरी जेकल जो होते हैं, आई हेनरी जेकल वेंट आउट वन इवनिंग एंड रिटर्न लेट, मैं कहीं गया था एज अ हेनरी जेकल बनकर और मैं बहुत देर से लौटा था. वहन आई वो कब, लेकिन जैसे ही मैं जागा, रात को लेट आया, लेकिन जब मैं सुबह जागा, आई लुक्ड डाउन एट माई हैंड, मैंने अपने हाथ को देखा, द स्किन ऑन इट वॉज डार्कर, मेरी स्किन डार्क थी, एंड इट वॉज हाफ कवर्ड विद थिक हेयर, उसके ऊपर घने घने बाल आ गए थे. इट वॉज द हैंड ऑफ एडवर्ड हाइड, लेकिन मैं तो रात को लिक्विड पिया ही नहीं, तो एडवर्ड हाइड कैसे बना हाथ मेरा. आई वेंट टू बैड एज हेनरी जेकल, मैं तो बिस्तर पर हेनरी जेकल बन के गया था, बट आई हैव वोकन अप एज अ एडवर्ड हाइड, लेकिन मैं उठाऊँ तो मैं एडवर्ड हाइड बन के उठाऊँ. आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ कुड इट हैपन, ये कैसे हो सकता है, वट वेंट रॉन्ग, गड़बड़ क्या हुई है, एंड वट एम आई गोइंग टू डू, मैं करने क्या जा रहा हूँ. ऑल माई केमिकल्स वर इन माई वर्क रूम, जितने मेरे केमिकल्स हैं वो मेरे वर्क रूम में, बट आई हैड टू गेट टू दैम, मुझे वापस से चेंज होना है, गुड पर्सनैलिटी पर आना है, पर वो तो वर्क रूम तक जाना पड़ेगा मुझे, और भी ऐसा बन के. तो इट वॉज लेट इन द मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग में भी टाइम ज़्यादा हो गया था, 10-11 बज गए होंगे, एंड ऑल माई सर्वेंट्स वर ऑलरेडी वर्किंग इन द हाउस, सारे सर्वेंट्स मेरे घर में काम कर रहे हैं, बट आई हैड टू गो, बट मुझे जाना ही था थ्रू द हाउस, घर में से निकल गया अक्रॉस द कोर्ट यार्ड, ऊपर बगीचे से निकल के भी जाना है मुझे. देन आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, ऑफकोर्स आई थॉट द सर्वेंट्स हैव सीन एडवर्ड हाइड इन द हाउस बिफोर नाउ, अरे अब से पहले भी तो लोगों ने देखा है ना एडवर्ड हाइड को घर में, है ना. आई लाफ्ट में हंसने लगा, रही मैं जा तो सकता हूँ ना. आई ड्रेस्ड क्विकली एंड वेंट डाउन स्टेयर, मैंने फटाफट कपड़े पहने और मैं जो हूँ चला गया. वन ऑफ माई सर्वेंट सॉ मी, एक सर्वेंट ने मुझे भी देखा, ही लुक्ड अ लिटिल शॉक्ड, थोड़ा शॉक था, बट ही सॉ एडवर्ड हाइट सो अर्ली इन द डे, उसने एडवर्ड हाइट को बहुत जल्दी देखा था, अर्ली देखा होगा कभी, सो ही सेड उसने कुछ खाया ही नहीं, नथिंग. आई हरीड क्रॉस द कोर्ट यार्ड, मैंने फटाफट कोर्ट यार्ड को क्रॉस किया एज फास्ट एज आई कुड, जितना जल्दी मैं कर सकता था. आई वेंट स्ट्रेट टू माई वर्क रूम, मैं फटाफट स्ट्रेट जो वर्क रूम में पहुंचा और क्विकली मैंने मिक्स कर दिया लिक्विड, देन आई ड्रैंक इट, मैंने उसे पी लिया, और 10 मिनट्स में डॉक्टर जेकिल रिटर्न हुए घर पर, उन्होंने ब्रेकफास्ट खाया. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू.